वेलकम टू पनेशिया आजकल। तो आज हम बात करेंगे नवंबर 10th के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ के साथ। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है आज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो इसको मनाया जाता है 10th of November को। यूनाइटेड नेशन एंड यूनेस्को ने टुगेदर 2001 में ये डिसीजन लिया था कि हम 10th of November को इस डे के सेलिब्रेट करेंगे। तो इस साल के थीम की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इस साल की जो थीम है वो है बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टाइम पीरियड है वो है 2015 to 2030। तो 15 साल के लिए ये गोल्स बनाए गए हैं और हर कंट्री को बोला गया है कि आप अपने लेवल पर एफर्ट्स करिए इनको अचीव करने के लिए। तो इस साल का जो थीम है वो है कि हम बेसिक साइंस को कैसे यूज़ करें इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये गोल्स कुछ वाइडर लेवल पर एक वाइडर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें हम हंगर की बात भी करते हैं, पॉवर्टी की बात भी करते हैं, एनवायरनमेंट की बात भी करते हैं, हम एजुकेशन लेवल की भी बात करते हैं। तो ये एक ओवरऑल चीज़ है, इसमें हम पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर ये दिन को मनाया जाता है कि हम साइंस को कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं और साइंस हमारी डेली लाइफ के लिए भी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आज हमारे पास 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो उसका थर्ड एडिशन हमारा अगले साल होगा और वो होगा उत्तर प्रदेश में। तो इससे पहले जो दो एडिशन्स हुए हैं वो सबसे पहले हुआ था उड़ीसा में, उसके बाद वो हुआ है कर्नाटका में। तो 2021 का जो एडिशन था वो सेकेंड एडिशन था, लेकिन वो हो नहीं पाया था कोविड की वजह से, वो पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इस साल वो हुआ है और इस साल वो हुआ है बैंगलोर में, विच इज़ इन कर्नाटका, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अगले साल की यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया है कि वो कहाँ पर होगा और वो होगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 4 सिटीज़ चूज करी गई हैं जहाँ पर वो होंगी। तो वो सिटीज़ कौन सी हैं, वो है लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी एंड नोएडा। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं 4500 एथलीट्स जो रिप्रेजेंट करेंगे 150 यूनिवर्सिटीज़ को। और इसके अलावा बहुत सारी गेम्स इसमें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि तो टोटल जो उनका नंबर है वो 20 होता है। तो ऑलमोस्ट सारी ही जो मेन गेम्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, तो सारी ही गेम्स इसमें होती हैं। बहुत वाइडर लेवल पे ये किया जाता है और सभी स्टेट्स में जितनी भी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से प्लेयर्स आते हैं इसमें खेलने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप रॉकेट के बारे में। जी दोस्तों, आज तक हमने सुना है कि इसरो ने रॉकेट बनाया है और लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप रॉकेट भी बन गया है। तो उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ न्यूज़ में ये है कि उसकी लॉन्चिंग डेट्स डिसाइड हो गई हैं, ऑलमोस्ट आने वाले कुछ दिनों में वो लॉन्च हो जाएगा। तो इसको डेवलप किया है हैदराबाद की एक कंपनी ने जिसका नाम है स्काई रूट। तो ये यहाँ पर स्काई रूट ने मेमोरेंडम साइन किया था इसरो के साथ, तो इसरो ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इसको बनाने में। तो जिन दो साइंटिस्ट ने इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया है वो पहले इसरो में ही काम करते थे। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या डिटेल्स हैं हमारे पास। तो इसका जो मिशन है, ये जो मिशन है इसका नाम रखा गया है प्रारंभ, विच मीन्स द बिगिनिंग, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा प्राइवेट डेवलप रॉकेट है। तो इसलिए इसे बोला जा रहा है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। एंड नेक्स्ट वी हैव, उसका नाम रखा गया है विक्रम एस। तो विक्रम साराभाई, जैसे आप जानते हैं, इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एरोनॉटिक साइंटिस्ट, तो उनके नाम को डेडिकेट करते हुए इसका नाम विक्रम एस रखा गया है। और ये लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से और इसकी लॉन्चिंग डेट्स नवंबर 12 to 16 के बीच में रखी गई हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन की, जैसी भी वेदर कंडीशन होती हैं, जब भी उन्हें लगेगा कि अप्रोप्रिएट टाइम है वो इन 4 दिनों के अंदर अंदर उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं G20 समिट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल की जो G20 समिट है वो कहाँ होनी है। तो वो होनी है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया इस साल G20 का प्रेसिडेंट, एज प्रेसिडेंट काम कर रहा है। तो बाली इंडोनेशिया में इस साल G20 की समिट होनी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पर जा रहे हैं उस समिट में शामिल होने के लिए। तो वो हो रही है November 14 to 16, 2022, ये उसकी डेट्स हैं। और ये G20 का 17th एडिशन है। तो इसमें होने वाली बड़ी चीज़ें क्या हैं पहले हम वो देख लेते हैं। इसका जो थीम होगा वो होगा रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो G20 कंट्रीज़ आपस में ये एक कॉपरेशन की तरह बात कर रही हैं कि
COVID-19 से जो हमारी इकोनॉमीज के ऊपर इफेक्ट आया है, हम उससे एक साथ होकर रिकवर करें और आने वाले टाइम में इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारी कंट्रीज में ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम एज अ स्ट्रॉन्गर ग्रुप निकल कर बाहर आएं। तो इसके अंडर 3 वर्किंग सेशंस होंगे। वो कौन से सेशंस होंगे? सबसे पहले बात की जाएगी फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। तो फूड सिक्योरिटी प्लस एनर्जी सिक्योरिटी, आज के हमारे टाइम में एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत बड़ा इशू बन गया है, तो उसके बारे में भी इसमें बात की जाएगी। नेक्स्ट वी हैव हेल्थ। तो हेल्थ में बेसिकली जो हमारी ऐसी डिजीजेज हैं जो सभी कंट्रीज़ को इफेक्ट करती हैं ओवरऑल, जैसे COVID-19 से हम सभी कंट्रीज़ ने डील किया है अभी, तो हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। एंड ऑल्सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इंडिया भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सारी ही G20 कंट्रीज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी फोकस करने वाली है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए लेके जा रहे हैं हिमाचल से कुछ आर्टिफैक्ट्स। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये शॉल और ऐसे आर्टिफैक्ट्स वो वहाँ पर लेके जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हिमाचल के कल्चर को, वहाँ की आर्ट को। तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर भी है क्योंकि 12 नवंबर को वहाँ पर इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो इस बार वो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं हिमाचल के आर्टिफैक्ट्स को। एंड ऑल्सो जैसे ही ये समिट खत्म होती है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को हैंड ओवर कर देंगे, तो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद गए हैं इस समिट में शामिल होने के लिए। तो अगले साल 2023 में जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो इंडिया के पास आने वाली है, और अगले साल जो G20 समिट होगी वो भी इंडिया में ही होगी, और ये इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली बहुत बड़ी समिट है और हमारी कंट्री में ये ऑलमोस्ट पहली बार हो रही है। तो यहाँ पर एक होने वाली है मल्टी मॉडल वाटरवे समिट जो है पीएम गति शक्ति के अंडर। तो पीएम गति शक्ति के अंदर सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर फोकस किया जा रहा है, हमारे बजट में भी इसके ऊपर बात हुई थी। तो यहाँ पर जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है वो हो रही है वाटरवेज की। तो इसको होस्ट करने वाले हैं यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, और ये 2 दिन की समिट होगी, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ये कंडक्ट की जाएगी। एंड ऑल्सो वहाँ पर ये दीनदयाल हस्तकला संकुल जो एक वहाँ पर म्यूजियम है वहाँ पर इसको कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें 101 प्रोजेक्ट्स चूज किए गए हैं जिनकी टोटल कॉस्ट होगी 62,000 करोड़, और ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का टारगेट है 2024 का। तो इस समिट कराने का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि पीएम गति शक्ति के अंडर होने वाली चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो हमारे देश में, फैला सकें, लोगों को ये बता सकें कि हमारा पर्पस क्या है और वो इस चीज़ के लिए क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने वाटरवेज के ऊपर फोकस किया है, तो सभी सेक्टर्स को रिलेटेड इसमें ऐसे रोडवेज के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। आपने अटल टनल के बारे में भी सुना होगा, और जो उत्तराखंड में भी नेशनल हाईवेज बन रहे हैं उनके बारे में भी सुना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ही पीएम गति शक्ति के अंडर ही हो रही हैं, तो इस समिट में बात हो रही है पर्टिकुलरली वाटरवेज के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं मैंग्रोव अलायंस के बारे में। तो जैसे आपको पता है COP27 इस वक्त हो रही है इजिप्ट में, COP27 जो हो रही है UNFCCC के अंडर, तो उसमें इंडिया ने एक मैंग्रोव अलायंस को साइन किया है। इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल अलायंस। तो कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व हैं UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। तो ये सारी ही कंट्रीज हैं जहां पर हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के भी जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस अलायंस के अंडर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को सेव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे हमारे क्लाइमेट के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे सी लेवल राइज होने की वजह से जो सलाइन वाटर है उन एरियाज में आना उसने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो उसको सेव करने की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर हम कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं रिड्यूसिंग एमिशंस फॉर डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जिसे हम REDD+ के नाम से जानते हैं। तो एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट निकाली गई है फोर्ब्स की तरफ से, इसमें 20 लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है। सारी बिजनेस वुमेन की यहाँ पर बात हुई है, तो इन 20 में से 3 जो लेडीज़ हैं वो इंडिया को बिलोंग करती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो दीज आर द 3 पर्सन, इनको शायद आपने पहले देखा भी होगा। तो अब देख लेते हैं कि वो क्या उन्होंने ऐसा किया है और कौन सी कंपनीज़ को वो ओन करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है गज़ल आलग, तो ये ओन करती हैं ऑनसा कंज्यूमर, जो इन्होंने शुरू की थी 2016 में अपने हस्बैंड वरुण के साथ।
ये जो कंपनी है ये हाउस करती है पर्सनल केयर ब्रांड्स को, जैसे ममा अर्थ, डर्मा कंपनी, एक्वालॉजिका एंड आयुगा। तो ममा अर्थ जैसे आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में आया हुआ है, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको ये इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इन कंपनीज को ये हाउस करती हैं। तो इस साल स्टार्टिंग में ही ये कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी भी बन गई थी, तो उस चीज़ को देखते हुए इनको फोर्ब्स लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन मिली है। एंड नेक्स्ट वी हैव सोमा मंडल। तो सोमा मंडल को 2021 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड अपॉइंट किया गया था। तो जब से ये वहाँ पर एज अ हेड अपॉइंट हुई हैं, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखी है, जिसकी वजह से इनको रिकग्नाइज किया गया है। एंड इन द थर्ड लिस्ट वी हैव नमिता थापर। तो नमिता थापर इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एम क्योर फार्मा। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये काम करती हैं। इसके अलावा ये यूट्यूब पर भी एक शो को होस्ट करती हैं और ये एंटरप्रेन्योर कोच भी हैं। तो बहुत ज़्यादा एक फेमस पर्सनैलिटी ये यूट्यूब पर बनी हुई है नमिता थापर। तो इन तीन लेडीज को रिकग्नाइज किया गया है फॉर्ब्स लिस्ट में, एशिया रीजन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है पत्रकारिता सम्मान के बारे में। तो 2022 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये जो सम्मान है ये दिया जाता है द गांधी पीस फाउंडेशन की तरफ से। तो द वायर जो एक न्यूज़ चैनल है उनकी चीफ एडिटर हैं अरफा खानम शेरवानी, जिनको यहाँ पर ये अवार्ड मिलने वाला है। तो 2021 में जिनको ये अवार्ड मिला था, ही वॉज अ यूट्यूबर अजीत अंजुम, तो इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर इस अवार्ड को अनाउंस किया गया है। तो जो भी लोग इंडियन लैंग्वेजेस में डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं मीडिया में, उन लोगों को यहां पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इस साल अरफा खानम शेरवानी जी को वो अवार्ड मिलने जा रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत प्रोमिनेंट हमारे इंडियन डॉक्टर के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू। तो उनको एक अवार्ड दिया गया है, उस अवार्ड का नाम है बेले के एशफोर्ड मेडल। तो ये अवार्ड 82 ईयर्स से दिया जा रहा है, लेकिन उनकी 82 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी भी किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को ये अवार्ड नहीं मिला है। डॉक्टर सुभाष बाबू फर्स्ट इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे देश ने यहाँ पर हासिल की है। तो ये अवार्ड दिया जाता है ट्रॉपिकल मेडिसिन के फील्ड में जो लोग रिसर्च करते हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ट्रॉपिकल मेडिसिन इज़ बेसिकली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंडर एरियाज आते हैं, उनमें जो डिजीजेज होती हैं उनके रिलेटेड जो रिसर्च होती है। तो डॉक्टर सुभाष ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसकी तरफ, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इनको यहाँ पर फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड 2022 भी दिया गया है। तो ये अवार्ड देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। सो नेक्स्ट इन न्यूज़ वी हैव अरुणा मिलर, जो बन गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैरीलैंड। तो US का जो रीजन है मैरीलैंड, उसमें ये एज लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट हो गई हैं। तो वहाँ पर इलेक्शंस हुए, तो शी इज़ द फर्स्ट इमिग्रेंट इंडियन जो इस पोजीशन तक पहुँची हैं। तो अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अ कंट्री एंड अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द इमिग्रेंट्स जो यहाँ से जाते हैं बाकी कंट्रीज में रहने के लिए। दे फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ और उसके बाद इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। तो वहाँ पर जो गवर्नर चूज़ किए गए हैं वो वेस मूर हैं, और क्योंकि ये काम करती थी, शी वॉज फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया है, वहाँ पर जितनी और भी इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन हैं और सिटीजन्स हैं उनका भी इनके लिए पूरा सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये अब बन गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द रीजन। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स। है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। ही टुक द थ्रोन, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं, जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स,
और उनसे जुड़े हुए रेलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। सो जॉइन पनेशिया ट्यूटर फॉर योर सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर।